फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने नया नया अपडेट किया है। नया नया अपडेट में फ्रेंड्स क्या किया है कि पहले से ये एवरीवन का ऑप्शन जो है लास्ट चिन्ह में पहले से अवेलेबल था, और यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट और नोबडी का ऑप्शन पहले से अवेलेबल था, लेकिन माय कॉन्टैक्ट वाला जो एक्सेप्ट है, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, ये ऑप्शन नया नया व्हाट्सएप ने अपडेट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, माई कॉन्टैक्ट और माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में बंदा कन्फ्यूज रहता है और उसे पता नहीं चलता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसे यहां तक कैसे आना है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको फ्रेंड्स प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पर देखिए लास्ट सीन वाला ऑप्शन है, वैसे ही प्रोफाइल फोटो है और अबाउट है, स्टाटस है, आप सब में सेम ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप किसी में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो को ले लेता हूँ फ्रेंड्स, प्रोफाइल फ़ोटो को लेने के बाद एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट और नोबडी का ऑप्शन पहले से था, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन व्हाट्सएप ने अपडेट दिया। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, एवरी वन पे आपका फ़ोटो सब कोई देखेगा, चाहे आपका उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव है या नहीं। माई कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव है उसी को आपका डीपी दिखेगा, और यहाँ पे नो बडी है, किसी को भी नहीं दिखेगा। लेकिन माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपकी मतलब सबको दिखाना चाहते हैं, जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव है और जो कॉन्टैक्ट है सबको दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक दो आदमी ऐसा है जिसको आप अपना व्हाट्सएप का डीपी नहीं दिखाना चाहते हैं या फिर लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से फ्रेंड्स पूरा कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल का यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स जिस भी बंदे को आप अपना व्हाट्सएप का डीपी या फिर लास्ट सीन स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं उसको फ्रेंड्स एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे और ये टिक कंफर्म हो जाएगा, और दोबारा से कंफर्म हो जाएगा और नीचे डन का ऑप्शन है, इस तरह से चेक कर देंगे। चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपने जिस जिस बंदे को यहाँ पर टच किया है, देखिए ये दो बंदा आपका प्रोफाइल फ़ोटो नहीं देख पाएगा। लास्ट सीन में भी यही ऑप्शन है, ऐसा ही ट्रिक है, आप यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जब आप लास्ट सीन में किसी को माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे जाके जिस बंदे को टिक कर देंगे, ये दोनों जो बंदा है आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएगा और ना ही प्रोफाइल फ़ोटो, बाकी हर सब कोई आपका फ़ोटो लास्ट सीन देख पाएगा। और फिर बाद में अगर आप इसे हटाना चाहें तो फिर से इस पर क्लिक करके आप इसे माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में जाके फिर से जो जो बंदे को टिक किए आप ये चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे तो बड़ा घटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप ने न्यू अपडेट दिया है, और देखिए मैं इसे यहाँ से चेक कर देता हूँ, ये बंदे यहाँ पर दिखाएगा आपने कितने बंदे को एक्सक्लूडेड किया है, मतलब नहीं देखने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आप अपने व्हाट्सएप के डीपी को अगर कोई खास बंदे से छुपाना चाहते हो तो इजीली से छुपा सकते हो। ये था व्हाट्सएप का नया अपडेट, और जो दूसरा अपडेट है व्हाट्सएप का वो भी मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। इसके लिए मैं इसे यहां से बैक करता हूं। बैक करने के बाद फ्रेंड्स मैं व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर आ गया, और फिर आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा चैट का, तो आपको चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फॉन्ट साइज का। ये फॉन्ट साइज का व्हाट्सएप पे पहले ये ऑप्शन नहीं था। जब आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब आप किसी से चैट करते हैं, अगर आप इसे यहाँ पे स्मॉल रहने देंगे तो जब आप किसी से चैट करेंगे तो वो जो लेटर है बिल्कुल स्मॉल साइज में होगा, और आप अगर किसी को लेटर बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ा लेटर भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लार्ज कर देंगे तो आप किसी से भी चैट करेंगे तो वो जो लेटर है बड़ा होगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे है। देखिए अभी लार्ज है और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, तो देखिए जो ये लेटर है ये बड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यही लेटर कैसे छोटा होगा। तो इसे मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ सेटिंग में जाके चैट में जाके फॉन्ट साइज को मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड फिर से मैं इसे यहाँ से चैट करता हूँ, इसी FII जो लिखा है और मैं इसी को मैं फिर से लिखता हूँ और इसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों में कितना डिफरेंट है, ये जो पहला वाला है कितना बड़ा है और जो दूसरा वाला है कितना स्मॉल है। इस तरह से फ्रेंड्स आप चाहे तो अपने फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का दूसरा अपडेट था, और फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स आपको रिएक्शन भी देखने के लिए मिलता है जो व्हाट्सएप ने ये भी अपडेट दिया है। आपको किसी ने कुछ भेजा तो आप इसे यहाँ से टच करके रखेंगे और आप एक क्लिक में इसे हैंडशेक दे सकते हैं, या दिल का ये है आप क्यूट हो या फिर कुछ भी आप, या फिर ये है, एक क्लिक आप यहाँ से करेंगे और इसे सामने वाले को रिप्ली चला जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स व्हाट्सएप ने ये नया अपडेट दिया है। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।